घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं 65वा महापरिनिर्वाण दिन आहे. 6 डिसेंबर 1956 दिवशी बाबासाहेबांनी दिल्लीमध्ये अखेरचा श्वास घेतला होता. त्यानंतर बौद्ध धर्मातील सर्वात महत्त्वाचं तत्व आणि ध्येय म्हणजे परिनिर्वाण. परिनिर्वाण या शब्दाची फोड केल्यास त्यामागील अर्थ समजण्यास मदत होते. परिनिर्वाण या शब्दाचा अर्थ मृत्यूनंतर निर्वाण म्हणजेच मुक्ती असा होतो. कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचा धोका लक्षात घेता, मास्कचा वापर आणि इतर गोष्टींना विचारात घेता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दीक्षाभूमी या स्मारक स्थळी विविध ठिकाणावरून अनुयायी एकत्र आले. दीक्षाभूमी हे बाबासाहेबांच्या जीवनातील महत्त्वाचे ठिकाण होते. याची जाणीव ठेवून काही अनुयायी 6 डिसेंबरला बाबासाहेबांना मानवंदना देण्याकरिता येतात. महापरिनिर्वाणाचे स्थळ म्हणजेच मुंबई येथील चैत्यभूमी. परंतु कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचा धोका लक्षात घेता विदर्भातील अनुयायांनी मुंबईला जाणे टाळले व दीक्षाभूमी येथूनच बाबासाहेबांच्या कीर्तीचे संरक्षण करत अभिवादन केले. बाबासाहेब आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो भूतों भविष्य जो न होने वाली ऐसी धम्म क्रांति करके भारतीय बौद्धों पर बहुत बड़ा एहसान किया है. यह एहसान किसी भारत देश के लोगों ने नहीं किया जितना एहसान भारतीय बौद्धों पर बाबा साहब का है. और बाबा साहब के अनुयायी भी उनको इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब ने उनको गंदगी से ऐसे जिंदगी से उठाया, एजुकेशनल हो चाहे पीने का पानी हो, संघर्ष किया. तो आज उनका 65वां महापरिनिर्वाण दिन है. आज वो संकल्प दिन है. बाबा साहब के 64वां दिन भी आया था पिछले साल, अभी 65वां और 66वां होते जाएगा. मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतीय बौद्धों जो अनुयायी उनको आंबेडकरवादी लोगों को कि महापरिनिर्वाण दिन मनाना चिंता का विषय नहीं, चिंतन करने का विषय है. और हम क्यों मना रहे हैं और इसका चिंतन और संकल्प दिन आज के दिन करना चाहिए नमन करके. वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमको संविधान दिया है, तो संविधान में जो बौद्धों के अधिकार दिए हैं आज तक भारतीय बौद्धों ने वो नहीं लिए. हमको माइनॉरिटी स्टेटस 92 को मिला है, अन्य समुदाय को ही मिला है. हमारे बौद्धों के अपने कॉलेज नहीं हैं, अपने विद्यालय नहीं हैं, अपने हॉस्पिटल नहीं हैं, अपने टेक्निकल कुछ ऐसे ये नहीं है, स्कूल नहीं है. मैं चाहता हूँ बाबा साहब ने धर्मांतर करने के बाद ये सारी फैसिलिटी हमको दी है भारतीय बौद्धों को. आज वो हमको भारतीय बौद्धों को इस दिवस के अवसर पर बाबा साहब को नमन करके संकल्प करना है कि बाबा साहब ने जो संविधान में बौद्धों के अधिकार दिए उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए सब इकट्ठा होकर सामने आने की जरूरत है. और भारतीय बौद्धों को संविधान में दिए अधिकार जनमानस के बीच पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए. बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दिया है, वो दुनिया को गाइड कर सकता है, देश विदेश को गाइड कर सकता है. बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा वाला हमको धर्म दिया वो इंसान को जोड़ने वाला धर्म है, अनटचेबल नहीं रखा है. हर इंसान एक दूसरे इंसान के साथ मानवता जैसे बर्ताव करे, यही बाबा साहब ने धर्मांतर के माध्यम से दीक्षा दी है. उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी है, उस 22 प्रतिज्ञा को आचरण में लाना चाहिए. उनको दिन ब दिन पठन करके ग्रहण करके लोगों के बीच में उसका प्रचार होना चाहिए. और बाबा साहब के 65वें दिन के अवसर पर, महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर, मैं इतना ही कहूँगा कि आज हम लोग दीक्षा भूमि पर आए, नमन करने के लिए आए, उनके इस क्रांति भूमि पर आए. मैं चाहता हूँ कि सब ने संकल्प करके बाबा साहब के संविधान में दिए हुए अधिकार को लेने के लिए सामने आने की जरूरत है. इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ. नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो धम्माय. मैं भदंत हर्षबोधी बुद्ध गया. कैमरामैन शुभम सह, नेहा पटेल, शंखनाथ दिवस, नागपुर.